आगे चलते हैं। तो ये आपको फेस्टिवल याद हो गया होगा, ठीक है, सती की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी देखिए, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कभी अपने जीवन को बदलना और आप चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता हूँ। चल रही है? हाँ, तो हमने ही चलाई है, अभी हमने दोबारा चलाई है। इसके बाद जो कल हमने पढ़ा था वो हो गया। अगला है होपेक्स, एक्सरसाइज होपेक्स। होप एक्स एक्स होप एक्स एक्सरसाइज। देखो, भोले बाबा जो थे उनके दो विवाह हुए थे। पहला विवाह सती माँ से हुआ था, सती माँ की मृत्यु के पश्चात फिर काफी वर्षों तक, मतलब अगर कायदे से एज गैप देखें तो पार्वती माता और भोले बाबा में हजारों साल का अंतर होगा। और एक बात बताएं, पार्वती माँ, हाँ, पार्वती माँ और भोले बाबा कभी आपस में शारीरिक रूप से संबंध नहीं बना सकते थे, क्योंकि भोले बाबा की हाइट बहुत है, सती माता की छोटी हाइट है, और पार्वती माता की भी। तो भोले बाबा के साथ ये समस्या है कि वो अप्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ भी संबंध नहीं बना सकते, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी वन। तो जो उनके बच्चे हैं वो कैसे हैं? क्रिएटेड है। गणेश और कार्तिकेय दोनों अवतरित हैं, अशोक सुंदरी भी अवतरित हैं। तो जितने शिव भगवान के बच्चे होंगे वो सब अवतरित होंगे, विष्णु और ब्रह्मा के बच्चे पैदा होंगे कोख से, पर इनके नहीं होंगे। और लक्ष्मी शापित है, लक्ष्मी का कोई बच्चा नहीं होता। जैसे लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी के स्वयं के कोई सुपुत्र नहीं है। तो आपने देखा होगा गणेश जी को लक्ष्मी माता के कहाँ बैठाया जाता है? बाएं, दाएं नहीं बैठाया जाता। रीजन भी ये कि मतलब गणेश भगवान के राइट हैंड की साइड माँ होंगी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं होंगी, तो वो पार्वती लक्ष्मी माता का बायां होगा। इसलिए क्योंकि जब पार्वती माँ के पास वो आई तो पार्वती माँ ने अपना पुत्र उन्हें डोनेट कर दिया, मतलब गोद दे दिया। तो वो शिव का भी पुत्र है, वो पार्वती का भी पुत्र है, वो विष्णु का भी पुत्र है, वो लक्ष्मी का भी पुत्र है। इसीलिए गणेश भगवान को सर्वदाता बोला जाता है। तुम्हें रिद्धि भी देंगे, सिद्धि भी देंगे, धन भी देंगे, वैभव भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, सब कुछ देने वाले बोले गए, क्योंकि दो सबसे बड़े भगवानों के पुत्र बन गए वो। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो गणेश भगवान से बड़ा कोई भी भगवान नहीं है, ये हमेशा ध्यान रख। बट लोग समझते नहीं है, अब वो वैदिक मंत्रों की शक्तियां लोगों को पता नहीं है। होपेक्स, होपेक्स एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इट इज बिटवीन टू एयरफोर्स, कौन कौन? इजिप्टियन एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स, इजिप्ट और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इजिप्ट एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, बायलैटरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए होती है, ठीक है। इसमें इजिप्ट का भी वेपन्स आता है और इंडिया का आता है 78 टैंकर्स, IL-78 टैंकर्स, इनको भी यूज कर लाया जाता है, ठीक। अब यहां पर बात ही आती है, सर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, वेपन्स में और कुछ भी चल रहा है। तो जब एक्सरसाइज ड्रिल होती है तो नाम एयरफोर्स का दिया जाता है, पर इसके साथ और भी कई बायलेटरल रिलेशन है। एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट इनके साथ काम करते हैं, ठीक है, और इजिप्ट के भी अपने जो प्लेन है वो भी चलते हैं। याद रखना, जितना भी यूरोप के आसपास की फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी होंगी, वहां पर फ्रांस की टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वहां पे रफेल यूज किया जा रहा है, वहां पे कोई भी रशियन मेड क्राफ्ट नहीं बेचते हम। वहां पे कौन सा जेट बेच रहे? रफेल, ठीक है। रफेल को छोड़ के वहां पे हम मिग मिराज ये सब नहीं भेज सकते, क्योंकि जो भी हमने रशिया से बनवाया वो यहां काम नहीं आएगा, ठीक। अब आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट